शहीद जवान का शव रामपुर पहुंचा। रामपुर के टाणा थाना क्षेत्र के बादली निवासी मुकेश बाबू भारत के अरुणाचल प्रदेश के मांगोचूना सेक्टर में शहीद हो गए थे। मुकेश 1851 लाइट रेजिमेंट के जवान थे। भारत और चीन के बीच पिछले दिनों तनातनी के बाद रेजिमेंट के जवानों को भारत के मांगोचूना सेक्टर में भेजा गया था, जहाँ जवान मुकेश बाबू शहीद हो गए थे। जवान की मौत से परिवार वालों में गमगीन माहौल है। बावजूद इसके मृतक जवान के परिजनों में अभी भी देश प्रेम की लौ दहकती दिखाई दे रही है और शायद यही कारण है कि जवान के शहीद होने के बाद भी उसके बेटे में फौजी बनने का जुनून देखा जा सकता है। मुकेश बाबू का पार्थिव शरीर आज उसके घर रामपुर लाया गया, जहां जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक ने शहीद सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वही जवान की शहादत पर सेना के एक अधिकारी ने कहा, सैनिक देश को सम्मानित करने के लिए देश की सेवा करता है। सेना के अधिकारी ने कहा, इनको शहीद माना जाएगा। वही यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक ने कहा, ठंड में बरसात में अपने बच्चे को, घर को, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर हमारे जवान सरहदों पर हैं। आज हमारे रामपुर का जो जवान शहीद मुकेश, जिनका शव आज रामपुर के टांडा बादली में आया है, पूरे एरिया में गम का माहौल है। शहीद यहीं पर खेला है, यहीं पर पला है, यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं पर भर्ती युवा, और यहीं की मिट्टी में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा, मैं शहीद परिवार के लिए सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। सम्मानित करने के लिए सेवा करता है देश की, उसके लिए से सम्मान लेने के लिए। अच्छा सर, इसके इनको क्या शहीद कहा जाएगा? कहा जाएगा जी, कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स वो जो है हमेशा, यानी कि इनको शहीद माना जाए, जैसे कि प्रशासन या पुलिस अभी ये मान रही है कि ये शहीद नहीं है, कोई आदेश ऐसा नहीं है, तो इनको शहीद माना जाए? बिल्कुल माना जाए। ठंड में, बरसात में अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो हमारे जवान सरहदों पे हैं, आज ये जवान हमारे रामपुर का जो शहीद मुकेश, जिनका शव आज हमारे टांडा में, टांडा बादली में यहाँ पर आया है, और पूरे गम की लहर है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन भरे हुए हैं, क्योंकि वो शहीद यहीं पर खेला है, यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं पड़ा है, और यहीं तो भर्ती होकर आज इसी मिट्टी में आज उनका संस्कार, अंतिम संस्कार होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उस शहीद परिवार के मैं सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि भगवान उनके परिवार को और उनके यहाँ के समाज को, उनके मोहल्ले को, उनके तहसील को सब ऊपर वाला कृपा बख्शे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो मुकेश जी इस टांडा के बादली से शहीद हुए हैं, सारे ही आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए हम सब। मंत्री जी, प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो उस प्रदेश सरकार की तरफ आप लेके आए हैं आज, मैं आप क्या कहना चाहता हूँ, सरकार जो भी शहीद परिवार है उनके मानक तय हैं, उनके अनुसार सारी सुविधाएं इस शहीद परिवार को मिलेंगी और सरकार इनको दे। आज क्या क्या घोषणा कर रहे हैं? आपको कहता, पहले ही सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि जो शहीद परिवार होगा उनको तहत दिया।